हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू सी मैथमेटिक्स बिहाइंड डिसीजन ट्री। इन दैट वी विल सी एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन गेन एंड गेन इम्प्योरिटी। ओके, सो व्हाट इज दिस डिसीजन ट्री? डिसीजन ट्री इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री वी आर क्रिएटिंग और हायरार्की। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग एक्स वन फीचर। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स वन इज ए, ओके, देन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू टू ए विल गो in this child node. From parent node we are sending data having value a to this child node. Similarly, what we are doing if the value of x1 is equal to b, then we are sending all the values corresponding to b to this child node. So what is this corresponding value? We'll see. So in x2, the corresponding value of a is 1, 2 and 1. So this all values of x2 will go over here in this child node. And corresponding value of x1 having value b will go to this child node. x2 will be and we'll take y values also, corresponding y values. Okay, and out of this we'll calculate our class dependent feature 1, whether it will be a 1 or 0 or 1 or 0. सो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग इफ एल्स कंडीशन में डाल रहे हैं। इफ एक्स वन ए हो गया तो क्या होगा, सर्टेन प्रोसेस होगा। बी हो आ गया तो फिर वी आर फॉलोइंग सर्टेन प्रोसेस एंड आउट ऑफ इट वी आर टेकिंग अ डिसीजन। सो डिसीजन ट्री क्या है? इट इज अ सेट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी एक पॉइंट मैंने इधर एक्स वन कंसिडर किया। ओके, सो ये x2 भी हो सकता था। वी आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज द ऑप्टिमम वैल्यू टू दिस पैरेंट नोड, वेदर इट विल बी x1 और x2। सो विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन गेन एंड गिन इम्प्योरिटी विल फाइंड द वैल्यू वेयर द स्प्लिटिंग विल स्टार्ट। इधर से स्प्लिटिंग स्टार्ट हुआ ना, इफ x1 इज इक्वल टू ए और x one is equal to b, we are splitting the values. So with the help of this entropy, information gain and gain impurity, we'll find best features that will split the tree. Okay, let's get started. Entropy is nothing but randomness of data, how the data are distributed. Okay, it is given by e of x is equal to minus summation of p of I log p of I to the base 2. So p of I is nothing but the probability. Okay, so we'll see one example and solve this problem. So firstly we'll find for x1, then we'll move on to the other features. So entropy of x1. So in x1 we have a and b, two unique values, right? A and b. First we'll see for a, then we'll move on to the b part. The formula is given by minus then summation of p of I. So what is this p of I? It is nothing but the probability of occurrence of class 1
class 1 when the value of x1 is equal to a. So, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? हमें क्लास बताना है 1 अगर x1 का वैल्यू a हुआ तो. अभी हमारे पास a कितना वैल्यू है? 1, 2, 3. 3a का वैल्यू है, राइट? एंड y, उसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू देखना. अभी ये y का 1 वैल्यू है, इधर 0 क्लास है, इधर 1 क्लास है, इधर 0 क्लास है. सो अभी इसके a के करस्पॉन्डिंग क्या क्या है? 1 एंड 0 है, ये दो. सो पहला प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ क्लास 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ x1 इज a. सो इन टोटल वी हैव 3 वैल्यूज ऑफ a. आउट ऑफ दिस 3 वैल्यूज वी गॉट ओनली 1 क्लास ओवर हियर. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3. सो क्लास 1 एक बार है पूरे a में, एंड टोटल कितना a है हम लोग के पास? 3 है. टू द log टू द बेस 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ i, वही सेम 1/3 प्लस, इधर समेशन है प्लस. नाउ हम लोग को क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 0 व्हेन द वैल्यू ऑफ x1 इज इक्वल टू a. सेम वे अभी 0 क्लास किधर है? a किधर आया विद रिस्पेक्ट टू 1, और एक इधर आया, दो बार आ रहा है, ठीक है? तो 2 बार क्लास आ रहा है 0/ टोटल a कितना है? 3 है. log टू द बेस 2/3. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को वैल्यू आएगा 0.9188. सिमिलरली विल फाइंड फॉर b माइनस ऑफ, अभी b का क्या होगा? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन वन मोर टाइम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ क्लास 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ x1 इज b. इधर एक ही बार है, 1 आएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में टोटल कितना b है? 1 है. log टू द बेस 2 1/1 प्लस. अभी हम लोग को किसका फाइंड करना है? अभी क्लास 1 फाइंड किया, अभी क्लास 0 का फाइंड करना है. बट इधर हम लोग देख सकते हैं कि b का एक ही वैल्यू और वो क्लास 1 का है, कोई है ही नहीं वैल्यू 0, मतलब 0 क्लास का कुछ है ही नहीं ना b के करस्पॉन्डिंग. तो हम लोग इधर ऊपर क्या आएगा? 0/ टोटल b कितना हम लोग के पास? 1 है. log टू द बेस 2 0/1. अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आएगा 0. सिमिलरली ये वीडियो को पॉज करो और x2 का वैल्यूज निकालो. ओके, अभी x2 का एंट्रोपी ऑफ x2, अभी x2 में हमारे पास कितने दो है? 1 and 2 है. फर्स्ट विल फाइंड फॉर 1, देन विल मूव ऑन टू द सेकेंड. माइनस, लेट मी रब दिस पार्ट. ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of occurrence of class 1 when the value of x2 is 1. 1 कितने बार है? 1 दो बार है. अभी इसके corresponding हम लोग को class 1 find करना.
क्लास वन कितने बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, इधर तो जीरो आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर में वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वन कितना है? टू है। लॉग टू द बेस टू वन बाई टू प्लस, अभी हम लोग ने क्लास वन का निकाला, अभी क्लास जीरो का निकालना। अभी वन के करस्पॉन्डिंग जीरो एक बार है, ओके। सो वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वन कितना है एक्स टू में? दो है अपॉन टू। तो इसको कैसे हम लोग बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ क्लास वन व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू वन, ओके। देन लॉग टू द बेस टू वन बाय टू, इफ यू कैलकुलेट दिस वन विल गेट वन। सिमिलरली फॉर टू, माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ क्लास वन व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स टू इज टू। अभी टू का दो आउटकम आ सकता है, एक तो जीरो एक वन है, तो ये दोनों में क्लास वन एक ही बार आ रहा है, एक तो जीरो आ रहा है एक वन आ रहा है, तो क्या होगा? वन, क्लास वन एक बार आ रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ टू कितना है? दो है, एक दो। लॉग टू द बेस टू वन बाय टू प्लस, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ क्लास जीरो व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स टू इज टू, तो अभी ये भी एक ही बार आ रहा है, तो वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ टू इज टू। लॉग टू द बेस टू वन बाय टू, इसका भी सेम वैल्यू है, दोनों का सेम है, तो वन ही आएगा, ओके। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एंट्रोपी वैल्यू ऑफ दिस इंडिपेंडेंट फीचर्स, ओके। सो नाउ वी विल कैलकुलेट इंफॉर्मेशन गेन। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन गेन वी विल फाइंड, अभी हम लोग ने बनाया था ये डिसीजन ट्री, बनाया था हायरार्की, बनाया था। सो मैंने इधर बोला था इधर एक्स वन भी आ सकता है या फिर एक्स टू भी आ सकता है, अभी ये हम लोग को डिसाइड करना है, ओके। सो डिसाइड कैसे डिसाइड करेंगे? इंफॉर्मेशन गेन के, अभी इंफॉर्मेशन गेन क्या करेगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन गेन इज टेकन। सो पहले हम लोग क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन गेन ऑफ एक्स वन निकालेंगे, फिर इंफॉर्मेशन गेन ऑफ एक्स टू निकालेंगे, और जिसका मैक्सिमम वैल्यू है वो लेंगे एज अ पैरेंट नोड, इधर से स्प्लिटिंग स्टार्ट होगा, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंफॉर्मेशन गेन। सो इंफॉर्मेशन गेन इज गिवन बाय IG इज इक्वल टू एच ऑफ एस माइनस समेशन ऑफ एस वी अपॉन एस इंटू ई ऑफ आई। हियर एच ऑफ एस इज एंट्रोपी ऑफ होल डेटा, ओके। सो एच ऑफ एस इज गिवन बाय, लेट अस सी व्हाट इज दिस एच ऑफ एस। एच ऑफ एस इज इक्वल टू, सो एच ऑफ एस नथिंग बट एंट्रोपी, राइट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी, माइनस समेशन ऑफ पी ऑफ आई लॉग टू द बेस टू पी ऑफ आई। सो हियर वॉट वी आर डूइंग इज वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास जीरो एंड क्लास वन, ओके। सो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो क्लास इन द डेटा सेट? So we have 2 out of 4,
The whole data set contains four rows, right? And out of that, we have only two zeros. So the probability will be 2/4 log to the base 2/4 plus summation is there. Then we have to find the probability of class 1. Class 1 we have 2 times and total number of rows we have 4. So probability of getting class 1 is 2 upon the whole data set is, number of data set is 0, 1, 2, 3, 4. We have total 4 log to the base 2/4. So if we calculate this values, we'll get 1. Okay. Now we'll calculate this part. So one by one, we'll see IG, information gain of X1, is equal to H of S. H of S is 1. 1 minus summation. We'll take our square bracket. SV. What is this SV? If we are considering this X1 feature, and this A is repeated for 3 times. Right? 3 values we have. Then the total number of rows we have 4. So out of 4, we have 3 values of A. 3/4. Now what is this E? E is nothing but entropy of X1. So this we found, which is 0.98. 9 1 8 plus, now what we have taken A value, next is B. So out of this data we have only one B value out of 4. So what is the probability? 1/4 E of X1. So over here we have taken for A, for B it is 0 into 0. So let us calculate this. So what we are getting as 0.311. Similarly, we'll find information gain of X2. So H of S is 1 minus, in X2, let me rub this. Okay. So in X2, number of ones we have 1, 2 out of 4. So it will be 2/4 into entropy of X2 when the value is 1. So it is 1 plus, now SV is 2. Number of 2s in class. So number of 2s in feature X2. So we have 2 times. Okay. 2 upon total number of data set we have. 1, 2, 3, 4, 4. Into entropy of X2 when value is 2, which is 1. So after
after calculating we are getting as 0. So now we have to decide what we have to take. So maximum value we have to find, maximum of information gain x1 comma information gain of x2. So over here you can see 0.311 is greater than 0, so we will take x1 for splitting. So what this means is, I will draw the hierarchy of decision tree. So we will consider x1 for splitting our value. Okay, so if the value of x1 is A, then what all values we will get? X2, let me rub this. X2 and Y. So in X2, we have, if the value of X1 is 1, corresponding value we have to take. Okay. So if the value of x1 is A, then corresponding value we have to take. Okay. So next two we have 1, 2 and 1. 1, 2 and 1. And why we have 1, 0, 1, 0 and 0. 0 and 0. If the value of x1 is B, then we have only 1, right? So this will be, x2 will be equal to 2, and y value will be, we have 1. So again, out of this we'll find the entropy and information gain in order to split this node. So this was the mathematics behind the selection of the parent node. Okay. Let us move on to the Gini impurity. Gini impurity is given by g of I is equal to 1 minus summation of pi the whole square. Pi is nothing but probability or percentage. Okay. So let us see how we can calculate Gini impurity. Gini or Gini, whatever you want to call. G of I 1 minus probability. First we'll find for feature x1. So it is nothing but the probability of occurrence of class 1 when the value of x1 is equal to A. It is similar to this part only. We are finding for A, then we are finding for B. Okay. So let us see. We'll see for x1. 1 minus, and we are seeing for A value. Okay, let me rub this part. I will write it better. G of I of x1. First we'll find for A, then we'll find for B. Okay, so what is the formula? 1 minus summation of pi square. So what is the probability of occurrence of class 1 when the value of x1 is A? So 1 minus
summation. So here we have only class 1 value out of this 3a values. So 1 by 3. The whole square plus, now we will calculate for class 0. Class 0 we have 2 times out of 3 A's, so 2 by 3. Of 3 the whole square. So if we calculate this, we will get 0.44. 0.44. Similarly for B, 1 minus B we are getting for 1 time, class 1. So 1 by 1, okay. 1 by 1 the whole square. But class 0 is not there for B value, right? So it will be 0 upon 1. Probability of occurrence of class 0 when the value of x1 is B. If we calculate this, what we'll get? Let us see. We'll get 0. Okay, similarly we'll find for x2 Guinea impurity. Okay, so I want you all to do and find the value of Guinea impurity x2 value. Okay, so now what is the difference between this Guinea impurity? In Guinea impurity we are finding the same as that of entropy, and after that with the help of information gain we are saying that that feature will be used for splitting as a parent node. Okay, so the difference is here we are using log to the base 2. Okay, so log to the base 2 is expensive, computationally expensive. Okay, so it will take more time, entropy, to calculate the value, this all values that we have calculated. But here it is very simple math, 1 minus pi the whole square. It is very less computationally expensive. Okay, so that's why most of the state of art algorithm uses Gini impurity or Guinea impurity. Okay, so graph of this will be so the probability will range between 0 to 1, right? 0 to 1. So this graph is for Guinea impurity and this is for entropy. So it is taking lesser time in order to evaluate the values. So अभी तक हम लोग ने entropy देखा, information gain देखा and Guinea impurity देखा. और हम लोग ने क्या देखा? Difference between entropy and Guinea impurity. Guinea impurity is very less expensive computationally, but for entropy we are calculating log to the base 2. So it will take more time to calculate this values as compared to Guinea impurity. So most of the state of art model uses Guinea impurity for calculation. So after calculating entropy and Guinea impurity, we are deciding the parent node based on information gain, the maximum value of information gain. Okay, so based on the maximum value we'll split our parent node.
So this was it from my side. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye.